हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। टाटा की नई काली चिड़िया, यानी हम बात कर रहे हैं ब्लैक बर्ड की। टाटा की नई काली चिड़िया अब नए अवतार में क्रिएटा से कम कीमत में मिलेगी। कई नए स्मार्ट फीचर और बेहतर माइलेज। टाटा मोटर्स एक न्यू कार को लॉन्च करने जा रही है। यह एक एसयूवी सेगमेंट की कार होगी और इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के साथ देखने को मिलता है। टाटा की इस कार का नाम टाटा ब्लैक बर्ड है, एसयूवी रखा गया है। टाटा की यह अपकमिंग कार टाटा नेक्सॉन और टाटा हैरियर के बीच में फिट बैठेगी। टाटा की इस अपकमिंग ब्लैक बर्ड एसयूवी कार में कई एडवांस फीचर और दमदार लुक दिया गया है। नई टाटा ब्लैक बर्ड एसयूवी के इंटीरियर में फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन देखने को मिल सकती है। यह टच स्क्रीन को एसयूवी में एकदम बीचों बीच में देखने को मिल जाती है। इस टाटा ब्लैक बर्ड में 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, साथ ही इसमें सनरूफ जैसा फीचर्स भी दिए गए हैं। नई टाटा ब्लैक बर्ड एसयूवी में 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाटा ब्लैक बर्ड एसयूवी में शानदार इंजन दिया गया है। टाटा की अपकमिंग एसयूवी में 1.2 लीटर 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो 130 bhp की पावर और 178 nm का टॉर्क जनरेट के साथ आता है। इसके अलावा टाटा ब्लैक बर्ड एसयूवी में दूसरा इंजन का ऑप्शन 1.5 लीटर 4-सिलेंडर टर्बो चार डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जो 118 bhp की पावर और 270 mm का टॉर्क जनरेट के साथ आता है। इन दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड AMT ट्रांसमिशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाटा ब्लैक बर्ड एसयूवी में नए स्मार्ट फीचर दिए गए हैं। एसयूवी में वाईफाई भी दिया गया है, साथ ही वायरलेस चार्जर का सपोर्ट भी दिया जाता है। टाटा ब्लैक बर्ड में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर सीट भी दी गई है। कंपनी की तरफ से रियर व्यू कैमरा के अलावा इस मिड साइज एसयूवी कार में 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसे वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्ट किया गया है।